लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज मैं तेरी कोई बहानेबाजी नहीं सुनने वाली। मेरा कहमान और जल्दी आशा से शादी करके अपना घर बसा ले। खामोशी से काम नहीं चलेगा बिल्लू। इसी वक्त तू मुझे अपने ऑटो रिक्शा में बिठाकर नई बस्ती ले चल। तेरे सामने गोपाल पंडित से शादी की तारीख पूछे लेती हूँ। चट मंगनी पट ब्याह। इतनी जल्दी भी क्या है अम्मा, दो चार दिन बाद चल चलेंगे, तब तक अपना ऑटो रिक्शा भी ठीक होके आ जाएगा। भैया झूठ बोल रहे हैं माँ। हाँ माँ, भैया जिस ऑटो रिक्शा की बात कर रहे हैं वो उन्होंने कब का बेच दिया। क्या ये सच है माँ? पिंकी की शादी के दहेज में अनिल को मोटरसाइकिल देने के लिए भैया ने अपना ऑटो रिक्शा भी बेच डाला। नहीं नहीं माँ, इन्होंने अपने गाँव की जमीन बेचकर मेरी शादी की थी। और हाँ, जब निशा भाभी 7 दिनों के लिए आई थी तो टीवी, फ्रिज, सोफा सेट, ये दुनिया भर की चीजें भैया अपना गांव वाला घर बेचकर लाए थे। हम लोगों को अमृत पिलाकर तूने अकेले ही अकेले जहर क्यों पिया बेटे? मैं मरने के बाद तेरी माँ को क्या जवाब दूंगी? भूल क्या जवाब दूंगी? कुछ नहीं अम्मा, जो इस दुनिया में नहीं है उसे क्या जवाब देना, लेकिन जो अम्मा हमारे सामने है उसे सुखी रखना तो हमारा धर्म है ना, और बिल्लू अपने धर्म से कभी मुंह नहीं मोड़ेगा। भैया, अरे रवि, आओ बहु आओ। जीती रहो, कैसी हो? अच्छी हूँ। मुन्ना को साथ नहीं लाई? नहीं, मम्मी के पास है, क्या करे, वो दादी को छोड़ता ही नहीं। अच्छा देखो क्या संजोग है कि हम आ रहे थे तुम्हारे घर अम्मा को लाने के लिए और तुम लोग खुद ही यहाँ आ गए। अम्मा कैसी है? अच्छी है बिल्कुल, हमारे यहाँ महलों का सुख भोग रही है। ये तो बड़ी खुशी की बात है, जो अम्मा की खुशी सो हमारी। सचमुच आप बहुत समझदार हैं। दरअसल हम उन्हीं के काम से आपके पास आए हैं। बोलो ना रवि। बात ये है भैया, मुझे फैक्ट्री के लिए। बोलो, रुक क्यों गए? ऐसा है, इन्हें अचानक कुछ पैसों की सख्त जरूरत आ पड़ी है। इस वक्त तो पैसे नहीं है हमारे पास बहू, लेकिन कोई बात नहीं, हम कहीं से इंतजाम कर देंगे। कितना? ना ना ना, इतना बड़ा मकान बेकार में खाली पड़ा हुआ है, आपको यूं ही परेशानी उठाने की क्या जरूरत है? इसे बेचकर हम अपने नई फैक्ट्री का काम शुरू कर सकते हैं। क्या कहा? इस घर को बेचोगे? इसमें बुराई क्या है? इस मकान के तो 2.5-3 लाख आराम से मिल जाएंगे, जिससे आपके छोटे भाई की मुसीबत भी दूर हो जाएगी। नहीं रवि, नहीं निशा, ऐसा मत करो, पुरखों की अमानत का सौदा मत करो। ये घर तो हमारे सुख दुख की आखिरी निशानी है बहू, ऐसा मत करो। नहीं भैया, मेरा मतलब। ये मतलब क्या लगा रखा है? देखो इस वक्त हमें सिर्फ पैसों की जरूरत है। तुम्हारे भैया अकेले आदमी हैं, वे कहीं भी रह सकते हैं। अरे बेबी, लेकिन पहले ये तो बताओ कि उस मकान का चाबी लाया के नहीं? हाँ डैडी, मैं लेकर आई हूँ। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। अभी उस मकान को मैं 1-2 लाख में फौरन बेच डालता हूँ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मगर डैडी, हाँ? अगर चाबी हमारे हाथ में है तो फिर मकान बेचने की जल्दी क्या है? बेबी है, अरे तुम समझता क्यों नहीं? जैसा साली लाइफ का कोई भरोसा नहीं, वैसा साला गरीब लोगों का भी कोई भरोसा नहीं। अरे बेबी, वैसा ही तुम्हारा हस्बैंड रवि है, उसका भी कोई भरोसा नहीं, और ऊपर से साला वो एक नंबर का उल्लू है। उल्लू? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं डैडी। तभी तो बेबी, मैंने ये बंगला, ये प्रॉपर्टी, टोटल बैंक बैलेंस, पाई पाई का हिसाब, ये सब तेरे नाम कर दिया है। मैं जानती हूँ डैडी। देखो बेबी, अरे आज तो मैं जिंदा हूँ, कहीं गलती से कल सुबह मॉर्निंग में मैं लुढ़क जाऊं तो तेरा ये हस्बैंड तेरे को 100% धोखा देकर तेरा करोड़ों का प्रॉपर्टी लेकर अपने उस फटीचर भाई के पास जरूर भाग जाएगा, और उसके बाद तेरा हालत ऐसा हो जाएगा जैसा धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। अरे बाबा, मेरे को क्या देखता है? रवि के घर वापस लौटने के पहले उस मकान का चाबी मेरे हाथ में दे दे, मैं आज रात को ही उस साले मकान का सौदा कर डालता हूँ। अगर ये बात है डैडी, हाँ, तो मैं अभी आपको वो चाबी दिए देती हूँ। अरे वाह 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 वाह, शाबाश बेबी, शाबाश।
ये चाबी मेरी है और मेरे पास रहेगी। अरे भले चाबी मेरे पास रहे के तुम्हारे पास रहे, बात तो एक ही है। नहीं, नहीं मिस्टर टिकन दास मीर चंदानी, नहीं, चाबी का मेरे पास रहना और आपके पास रहना एक ही बात नहीं हो सकती। अरे वो कैसा साईं? क्या आपके इस बंगले की चाबी मेरे पास है? क्या आपके करोड़ों की प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, मिल, फैक्ट्री, कारखाने मेरे नाम पर है? और यहाँ तक की मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि आपकी ये बेटी मेरे नाम पर है। अरे ये तुम कैसा उल्टा बात करता है साईं? उल्टी नहीं, सीधी बात कर रहा हूँ मिस्टर टिकम दास मीर चंदानी। मैं इस औरत का शोहर नहीं, जरखरीद गुलाम था, रखेल था, ठीक से हाँ। तो मिस्टर टिकम दास मीर चंदानी, सारी जिंदगी तुमने अपनी बेटी को यह तो सिखलाया कि पति देवता नहीं होता, लेकिन अब मैं भी इसे यह जरूर सिखलाऊंगा कि पति गुलाम भी नहीं होता। आप यहां? सिर्फ तुम मुझे इतना बता दो कि तुमने अपने देवता समान भाई को घर से बेघर क्यों किया? उस नेक इंसान पर इतना बड़ा अत्याचार क्यों किया? बोलो रवि, बोलो, जवाब दो। अरे रवि, जिस कर्म योगी ने तुम्हारे ऊपर अपने सुखों को कुर्बान कर दिया, जिसने तुम्हारे सपने साकार करने के लिए अपनी जवानी न्योछावर कर दी, जिसने तुम्हारी मुस्कुराहटों पर अपनी तमन्नाओं को जीते जी दफन कर दिया, जिसने अपना खून पिलाकर तुम्हारी परवरिश की और अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे नाम लगी, ऐसे त्यागी इंसान के साथ विश्वासघात क्यों किया? क्यों गद्दारी की अपने रहनुमा के साथ? बोलो रवि, बोलो। शट अप, यू 500 रुपए वाली मास्टर नहीं, मेरे हस्बैंड को लेक्चर देने वाली कौन होती है तू? बोल, क्या औकात है तेरी? औकात? औकात क्या है? औकात हमसे पूछो। आशा भाभी की औकात पूछने से पहले निशा, तुम्हें जरा अपने गिरेबान में झाकर देख लेना चाहिए था कि तुम्हारी और तुम्हारी काइयां बाप की औकात क्या है। एक फरिश्ते के लिए अपनी जिंदगी को खाक में मिला देने वाली हमारी ये आशा भाभी हिंदुस्तानी औरत की जीती जागती मूर्ति है। मिस्टर विजय, आंखें मत दिखाओ, तुम इस महान देवी के चरणों की धूल भी नहीं हो। भाभी ज्योति, मुझे मेरे ही घर में बेइज्जत करने की कोशिश मत करो, समझी? बेइज्जती तो उसकी होती है निशा, जिसकी कोई इज्जत हो, और तुम तो ऐसी औरत हो जिसने एक भोले भाले इंसान को गुमराह करके उसे उसकी बहन की शादी में भी जाने नहीं दिया। बिल्लू भैया जैसे देवता इंसान को घर से निकालकर उनकी सारी कुर्बानियों पर पानी फेर दिया। तुमने अपनी मक्कारी से एक हंसते खेलते घर को वीरान कर दिया, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें इंसानों से नहीं पैसों से प्यार है। ठीक है, लो ये चेकबुक और भर लो इसमें मनचाही रकम, और बदले में हमें उस घर की चाबी चाहिए अभी और इसी वक्त। मिस्टर विजय, ये हमारा बंगला है और हमारे ही घर में हमें भीख देने की कोशिश मत करो। शराफत का तकाजा यही है कि तुम इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ, चले जाओ यहाँ। बदतमीज औरत तेरी है। रवि, रवि क्या किया तुमने? मैंने ठीक किया, अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रह सकता और ना ही अपने बेटे को काले खाए में रहने दूंगा। रवि ऐसा मत कहो। जरूर कहूंगा, मैं अपनी औलाद के खून में नफरत का ऐसा जहर नहीं भरना चाहता जिससे ये मासूम बड़ा होकर अपनी मेहरबान की उन बाहों को काट डाले जिनकी उंगलियां पकड़ कर ये दुनिया में चलना सीखेगा। नहीं नहीं नहीं, रवि क्या हो गया तुम्हें? नहीं, आज मुझे अपने पापा का प्रायश्चित करने दो प्लीज। ओ रवि, अरे बंद करो अपना ये नाटक और होश में आओ। नाटक बंद करके तुम होश में आओ मिस्टर तिगड़म दास। शाबाश रवि, शाबाश, आज पहली बार तूने मर्दों वाली बात की है। आज मैं फक्र के साथ कह सकता हूँ साले कि तू मेरा साला है। अरे साला वाला छोड़ो, दिमाग तुम्हारा ठिकाने पर है क्या? तुम भी होश में आकर बात करो। डैडी, होश में तो आप आइए डैडी। हा? और खबरदार, हम पति पत्नी के बीच में बोलने का आपको कोई अधिकार नहीं। आप जिम्मेदार है मेरी इस हालत के लिए। आपकी उल्टी सीधी बातें सुनकर मैंने अपने घर गृहस्थी में आग लगा ली। अरे बस अब और कुछ मत कहिए, चुप हो जाइए। रवि मुझे माफ कर दो, रवि और बेटा मुझे दे दो। बेटा दे दूं? तुझे माफ कर दूं? तेरी जैसी औरत को माफ कर दूं? मगर क्यों? क्या तूने मेरी बहन भैरवी को माफ किया था? क्या तूने मेरी माँ को माफ किया था? क्या तूने मेरे बेगुना भाई को माफ किया था? जो मैं तुझे माफ कर दूं, मैं तेरी जैसी औरत को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं।
रवि, रवि इसे अपनी गलती का एहसास हो गया। माफ करो मुझे, मेरे बेटे को मुझसे मत छीनो। रवि रवि प्लीज, मेरे को हट जा मुझे। रवि पागल हो गए हो क्या? हां पागल हो गया, उस तरह से मुझे पागल बना दिया। रवि मुझे समझने की कोशिश कर, देर आए दुरुस्त आए, माफ कर दे इसे। नहीं माफ करूंगा बेटा, मैं नहीं माफ करूंगा। अगर तेरी जगह मैं होता ना तो मैं भी यही करता, फिर भी कराऊंगा, माफ कर दे इसे। नहीं कभी। एक रवि, उसने अपनी गलती का एहसास कर लिया है और वो तुझसे तहे दिल से माफी मांग रही है। अब अगर उसे तू माफ नहीं करेगा तो गलती तेरी होगी। तो ये क्या हो रहा है? नहीं विजय, मैं आज तक सता रहा हूँ। ये क्या हो रहा है? मम्मी देखिए ना, ये मेरा मुन्ना मुझसे छीन रहा है। मम्मी प्लीज, एक माँ को उसकी संतान से अलग मत कर दे। औलाद से बिछड़ कर माँ कैसे तड़पती है, इसका अनुभव मुझे है। वाह समंदन वाह, आपने करोड़ों का बात करके मेरे जैसे सीगड़े आदमी की आंखें खोल दी। मैं आज ही सारी दुनियादारी छोड़ के डायरेक्ट हरिद्वार चला जाता हूँ। लेकिन क्यों, क्या हुआ? मैं बताती हूँ माँ, रवि भैया और भाभी ने बिलू भैया से घर की चाबी लेकर उन्हें अपने घर से निकाल दिया। क्या? हाँ माँ ये सच है। रवि बहू। माँ जी आप फिक्र मत कीजिएगा, बिल्लू भैया जहां भी होंगे मैं उन्हें ढूंढ लाऊंगा, आप फिक्र मत कीजिएगा। चल रवि चल। चल मुझे। हे भगवान, मेरा बिल्लू कहाँ होगा?